हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम? वैसे तो ये स्कीम एग्जैक्टली सिमिलर है कंपोजिशन स्कीम जैसी, जो सेक्शन 10(1) वाली स्कीम थी। ये अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन है सेक्शन 10(2)(a)। अपने कंसेशनल टैक्स स्कीम के बारे में भी सुना होगा। कंसेशनल टैक्स, पता है वो जो कंसेशनल टैक्स था वो एक नोटिफिकेशन था और गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया और इसको लॉ में इंसर्ट कर दिया। ये जो कंसेशनल टैक्स आया था ना नोटिफिकेशन के जरिए सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली और इसको लॉ में इंसर्ट कर दिया। और जब लॉ में इंसर्ट किया तो इसका नाम कंसेशनल टैक्स की बजाय इसका नाम क्या रख दिया? अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम, राइट? तो जिन लोगों ने भी कंसेशनल टैक्स का नोटिफिकेशन सुना है, ये है वही नोटिफिकेशन, विड्रॉ हो गया और वही बन गया अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम। अब एक बात बताइए, अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम कौन लेगा? ऑब्वियसली वो लेगा जो कंपोजिशन स्कीम 10(1) वाला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि 10(1) वाले कंपोजिशन स्कीम में तो आपको 1% टैक्स देना होता है। लेकिन ये जो कंपोजिशन स्कीम है 10(2)(a) वाली, इसमें 6% टैक्स देना होता है। सिस्टम वही है, अपनी जेब से टैक्स देना है, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लेना नहीं है, इनवर्ड सप्लाईज के इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, लेकिन 6% देना है। तो ऑब्वियसली अगर हम नहीं ले पा रहे हैं 10(1), तभी हम कहां आएंगे? 10(2)(a) में आएंगे, ठीक है। 10(1) क्या था? वो था मेनली गुड्स के सप्लायर के लिए। 10(1) मेनली गुड्स के सप्लायर के लिए था। एक सर्विस प्रोवाइडर है जो ले सकता है, वो है रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाला। छोटी मोटी आप सर्विसेज और देते हो थोड़ी बहुत तो चलेगा, और वो कितना है? पिछले साल के टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख रुपए, व्हिचएवर इज हायर। तो ऑब्वियसली अगर आप इससे ज्यादा सर्विस दे रहे हो या फिर आप सर्विस ओरिएंटेड ही हो तो आप कहां चले आओगे? 10(2)(a) में। लेकिन इसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सभी कोई नहीं ले सकता। तो आइए देखना शुरू करते हैं ये स्कीम क्या है। अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10(2)(a) कंसेशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 6% फॉर मिक्स सप्लायर। कंसेशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 6% फॉर मिक्स सप्लायर। एन ऑप्शन इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 50 लाख एंड हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम 10(1)। कहता है कंसेशनल टैक्स लगेगा 6% का मिक्स सप्लायर के लिए। मिक्स सप्लायर मतलब क्या है? जो सप्लायर गुड्स और सर्विस दोनों दे रहा है, ठीक है। मिक्स सप्लायर मींस गुड्स प्लस सर्विस दोनों दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप गुड्स एंड सर्विस दोनों दे सकते हो, सर्विस भी खुल के दीजिए, कोई पंगा नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, गुड्स एंड सर्विस आप 10(1) में भी दे सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। 10(1) क्या सर्विस वालों के लिए था? नहीं, सर्विस का एलिमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, ये था। ये कहिए सही तरीके से मिक्स सप्लाईज के लिए, गुड्स एंड सर्विस दोनों है तो आप इसमें आइए। वहां सर्विस था लेकिन बहुत छोटा एलिमेंट था, ठीक है। 6% का कंसेशनल टैक्स लगेगा। टैक्स को आज भी कंसेशनल कहा जा रहा है, क्यों भाई? कम तो लग ही रहा है ना, अदरवाइज तो सर्विसेज पे नॉर्मली 18% जीएसटी होती है ना, तो कंसेशनल टैक्स है। लेकिन इस स्कीम का नाम बदल गया है, वो हो गई है अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम। ये किसको मिलेगा? जिसका पिछले साल टर्नओवर से 50 लाख था। 10(1) वाली स्कीम 1.5 करोड़ तक मिलती है, 1.5 करोड़ तक नहीं मिल रही है, सिर्फ 50 लाख तक मिल रही है, ठीक है। एंड हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम 10(1)। जो कंपोजिशन स्कीम 10(1) में नहीं आ पा रहा है, 50 लाख तक का पिछले साल टर्नओवर है, वो 10(2)(a) ले सकता है। उसको 3% सीजीएसटी और 3% जीएसटी देना होगा ऑन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख। अपनी 50 लाख रुपए तक के पहले टर्नओवर पे उसे 6% का टैक्स देना होगा। 50 लाख जैसे ही क्रॉस करेगा आप कंपोजिशन से भी बाहर हो जाओगे। लेना कैसे है? पिछले साल के टर्नओवर के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन करंट ईयर में आप 50 लाख जैसे ही क्रॉस करोगे वैसे ही कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। जैसे 10(1) में बताया गया था कि 1.5 करोड़ जैसे ही क्रॉस करोगे कंपोजिशन से बाहर, रेगुलर बन जाइए, ठीक है। तो पहले मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, जिसमें आपसे पूछूंगा कि बताइए क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं कि नहीं, और ले सकता हूं तो कौन सा कंपोजिशन ले सकता हूं? 10(1) वाला, 10(2)(a) वाला, ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट ईयर टर्नओवर
70 लाख, ठीक है। करंट ईयर टर्नओवर गुड्स का 30 लाख, सर्विसेज का 30 लाख नहीं, इसको ज्यादा कर देता हूं। करंट ईयर टर्नओवर गुड्स का 80 लाख और सर्विसेज का 4 लाख, ठीक है। मैं कंपोजिशन, मुझे कौन सा कंपोजिशन लेना चाहिए आप बताइए, 10-1 वाला, ठीक है, कंपोजिशन लेना चाहिए मुझे 10-2A वाला, और तीसरा नन, कोई नहीं। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 10-1 वाला कॉम्पोजिशन ले, 10-2A वाला, नन, कोई नहीं। तो 10-1 के हिसाब से पहले सोचना शुरू करते हैं, 10-1 मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा तो 10-2A देखेंगे, और अगर वो भी नहीं मिलेगा तो नन कह देंगे। तो शुरू करते हैं 10-1 से, पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, करेंट ईयर में क्या होना चाहिए कि गुड्स ही होना चाहिए, अगर सर्विसेज है, रेस्टोरेंट वगैरह तो चाहे कितना भी हो, ये अगर हम सिर्फ सर्विस लिखे ना तो अदर देन रेस्टोरेंट समझिएगा, ठीक है। तो अदर देन अगर रेस्टोरेंट है तो कितना सर्विस होना चाहिए पिछले साल के टर्नओवर का, 5% या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर। तो पिछले साल का टर्नओवर 70 लाख है, इसका 5% होता है 3.5 लाख, 3.5 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो 5 लाख तक हो सकता है, 4 लाख ही है, चलेगा, 10-1 हम ले सकते हैं, मजे से 10-1 ले लीजिए, आनंद लीजिए इसका। बताइए कोई दिक्कत हो रही है यहां पे? आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, मान लीजिए ये सर्विस 4 लाख की बजाय 8 लाख है, 4 लाख नहीं, ये 8 लाख है। अब 10-1 कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं 10-1 ले सकते हैं क्या, 10-1 ले सकते हैं क्या, पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे, हाँ, करंट ईयर में सर्विस अगर है तो अप टू 10% ऑफ लास्ट ईयर टर्नओवर या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर होनी चाहिए। पिछले साल का टर्नओवर का 10% होता है 7 लाख रुपए, लेकिन ये 8 लाख रुपए की सर्विस है, नहीं, हम 10-1 नहीं ले सकते। आइए बच्चों देखते हैं क्या हम 10-2A ले सकते हैं। 10-2A कहता है कि आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख तक का ही होना चाहिए, 70 लाख नहीं ले सकते, यानी आंसर इज सी, नन, कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, आइए फिर से आंसर करते हैं, क्वेश्चन बदल दिया, ये 30 लाख है, पिछले साल का टर्नओवर 30 लाख है, गुड्स 20 लाख, सर्विसेज 8 लाख रुपया, क्या हम 10-1 ले सकते हैं? 10-1 के लिए 1.5 लाख तक का, 1.5 करोड़ का टर्नओवर है करंट ईयर में, लेकिन पिछले साल के 10% या 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर्विस। पिछले साल का टर्नओवर का 10% 3 लाख होता है और 5 लाख, तो यानी 5 लाख तक ले सकते हैं, 8 लाख सर्विस है, नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए बच्चों, 10-2A में आ जाइए, 10-2A में आ जाइए, पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से कम है, आप 10-2A में आ जाइए। अच्छा, अब ये करंट ईयर का सर्विस हमने बताया 8 लाख रुपए है, तो करंट ईयर में आप 10-1 में भी वैसे तो आ सकते थे, एक बात बताऊं आपको, करंट ईयर में आप 10-1 में आ सकते थे, क्योंकि करेक्ट, लेकिन जिस दिन 5 लाख से ज्यादा सर्विस क्रॉस करती आपको बाहर निकलना पड़ता 10-1 से, 10-1 से आपको बाहर निकलना पड़ता, और आप 10-2A में आ जाते या रेगुलर करा लेते, 10-2A में आ जाते या फिर रेगुलर करा लेते, तो इट्स बेटर हमको लेना क्या चाहिए, हम 10-2A ही ऑप्ट कर लेते हैं, पंगा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सर्विस लगता है ज्यादा बढ़ रही है तो आप 10-2A में आ जाइए, और जो सर्विस ओरिएंटेड है, आप जैसे मेरा पिछले साल भी सारा ही सर्विस था, तो मुझे मालूम है सर्विस रहेगा, तो हम 10-2A में ही आएंगे। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है ना? अब यहां पे हम 10-2A ले सकते हैं, 10-2A लेंगे।
ध्यान दीजिएगा ये करंट ईयर टर्नओवर है, लेकिन ये ऑप्ट आपने अप्रैल महीने में ही कर लिया है 10-2A, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपको जो लग रहा है, जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से मैंने बताया कि 10-2A हमें लेना चाहिए, जो एस्टिमेट था। आई होप यू पीपल नो वेयर यू आर वॉचिंग मी। यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी, जिसका नाम है अन अकेडमी CA Aspire। इस यूट्यूब चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है, कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहां पे। Have you ever seen it properly? If not, तो should I help you in going through the entire YouTube channel? आपकी help करूं, आपको बताऊं इस YouTube channel पे आपको क्या क्या मिलता है? आइए आप YouTube search कीजिए channel An Academy CA Aspire। तो देखिए ये है channel। Now यहां पे हम लोग videos में जाते हैं, I've clicked videos। Now see, past year questions, revision class on time of supply, right? GST का topic है, issue of debenture, inventory valuation, method of valuation for CA foundation, the entire series of marginal costing, right? There's so many things. तो आप इसका उपयोग लीजिए perfect तरीके से। Playlist में आइए, जहां पे लंबी series चल रही है उसकी playlist बनी हुई है। You can find EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination. And this is equally useful for November 20 examination as well. आपके course में एक नया topic add हुआ है, alternate minimum tax, जो कि आपके exam के लिए बहुत important है। इसकी दो classes हैं, ये भी यहाँ पे available है, free of cost, obviously, right? फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। एवरी डे अन अकेडमी इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स। जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही है यूट्यूब पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है। तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए, आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट। देन यू विल फाइंड अन अकेडमी CA प्लस, एक लिंक दिख रही है आपको यहां पे, अन अकेडमी CA प्लस, इसको क्लिक कीजिए। सो यू विल नाउ रीच टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप CA की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही है। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है। हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं, देखिए दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस। देखिए ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें CA एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर पेड क्लासेस, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस। तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट। अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती है तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए। तो दीज आर द ऑफरिंग्स फ्रॉम अन अकेडमी, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, बट आई विल ऑलवेज रेफर यू टू गो फॉर लॉन्गर पीरियड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप जितनी लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको।
24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज जस्ट फॉर रुपी 21,000, इट इज इवन लेस देन रुपी 1,000 पर मंथ। एंड आई विल गिव यू समथिंग मोर, एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए, यू कैन यूज द रेफरल कोड स्टडी एट होम। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो यू विल गेट अगेन डिस्काउंट। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। नाउ द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज जस्ट 18,900। बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं, आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाय कीजिए इसे। राइट, व्हाट आर टारगेट इज, आवर टारगेट इज टू अल्टीमेटली क्रैक सी एग्जामिनेशन। लेट्स क्रैक इट। कंडीशंस, पहला, सप्लाईज आर मेड बाई रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई विच इज नॉट लेबल टू टैक्स अंडर द सेड एक्ट। देखिएगा रिस्ट्रिक्शन सारी वैसी ही है जैसा आपने नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा, मतलब कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा 10-1 वाले, ठीक है। 10-2 में जो रिस्ट्रिक्शन थी ना वही है यहाँ भी, वहां भी कहता था कि कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं होना चाहिए जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, यहाँ भी यही कह रहा है। नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, नीदर ऑफ गुड्स नॉर ऑफ सर्विसेज, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। नीदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, कैजुअल का मतलब ही होता है टेम्पररी, कैजुअल रजिस्ट्रेशन ये हो। जैसे मान लीजिए हम यूपी से सप्लाई करते हैं तो हम, मेरा यूपी में तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक बात बताइए अगर मेरा यूपी में रजिस्ट्रेशन है तो हम क्या बिहार से भी सप्लाई कर सकते हैं, नहीं, बिहार में सप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी में मेरा रजिस्ट्रेशन है, क्या हम यूपी से बिहार में माल भेज सकते हैं, हाँ भेजो ना। रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन की बात कर ही नहीं रहे हैं, कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। क्या मैं यूपी से बिहार में माल भेज सकता हूं, हाँ बिल्कुल भेजिए। क्या मैं बिहार से माल कहीं और भेज सकता हूं, नहीं, बिहार से कैसे आप माल निकाल देंगे, बिहार में आपकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, सारा माल यूपी से निकलेगा। अगर आपका बिहार से भी माल निकलता है तो बिहार में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अब एक बात समझिएगा, मैं यूपी में ही माल बेचता हूं लेकिन बिहार में एक मेला लगा है, ठीक है, मैंने सोचा कुछ माल झोला में भरते हैं, टांगते हैं झोला, लेके चले जाते हैं बिहार और उस मेले में माल लगा के बेच देते हैं। बात समझ में आ रही है, मेरी दुकान कहाँ है, मेरी दुकान कहाँ है, यूपी में, यूपी में मेरा रजिस्ट्रेशन है, हाँ। क्या मैं यूपी से पूरे हिंदुस्तान में माल बेच सकता हूं, हाँ बेचो ना भाई, यूपी में बैठ के माल चाहे कहीं भी बेच लो। क्या मैं बिहार में बैठ के माल बेच सकता हूं, ना बाबा ना, बिहार का रजिस्ट्रेशन है कहां। तो अब एक बात बताइए, एक मेला लगा है बिहार में, ठीक है, मेरा उस मेले में माल बेचने का मन है, क्या मैं बिहार में परमानेंट दुकान खोलने की सोच रहा हूं, नहीं, बिहार रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूंगा मैं, वहां पे तो धंधा करता ही नहीं हूं, मैं तो यूपी में करता हूं, 3 दिन का मेला है, बस उस मेले में माल बेचने का मन है, झोला में माल भरा हूं, बिहार जा रहा हूं माल बेचने। गवर्नमेंट कह रही है कदम ना बढ़ाना बाहर यूपी के, पहले रजिस्ट्रेशन लो। तो अब मेरा दिमाग खराब हो गया, ये किस बात का रजिस्ट्रेशन, 3 दिन के मेले में जा रहा हूं, वापस चला आऊंगा, तुम्हारे झंझट में पड़ूंगा क्या, फिर तुम तो हर समय रिटर्न भरवाओगे हमसे, दुनिया भर के कानून का पालन कराओगे, बिहार में भी यूपी में कम झंझट है मेरे पास। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई नहीं, तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, इसकी वैलिडिटी होती है ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। जैसे मैं 3 दिन के लिए मेले में जा रहा हूं ना, तो मैं 3 दिन का ही रजिस्ट्रेशन लूंगा, और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का मिलता है, इससे ज्यादा तो मिलता भी नहीं है, फिर एक्सटेंशन कराना पड़ता है, एक्सटेंशन करा के फिर 90 दिन का और एक्सटेंशन मिल जाता है, और उसके बाद तो लैप्स ही कर जाएगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद तो एक्सटेंशन भी नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो अब मैं जब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन करा के अब बिहार निकल गया, झोला में माल लेके निकल गया माल बेचने के लिए बिहार में, क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं, यूपी में तो मेरा कंपोजिशन था, नहीं, कंपोजिशन नहीं ले सकते, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रेगुलर वाला ही होगा। बड़ी झंझट है भाई साहब, बड़ी झंझट है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, नॉन रेजिडेंट जो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, ठीक है, नॉन रेजिडेंट को गवर्नमेंट कहती है तुमको कंपोजिशन में नहीं आना है, तुम रेगुलर बनो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। जो ईसीओ होते हैं जो टीसीएस काटते हैं उनके थ्रू आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये गुड्स वाले केस में भी था, मतलब 10(1) वाले केस में भी था ये बात, ठीक है, कि हम ईसीओ के थ्रू माल नहीं बेचेंगे जिसको टीसीएस काटना होता है। नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड गुड्स नेमली, आप सप्लाईज नहीं कर सकते हो आइसक्रीम की, पान मसाला की, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वहां पे वर्ड यूज करता था मैन्युफैक्चर, यहां पे सप्लाईज कहता है, यानी कुछ भी नहीं करना है। आप पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, इन सब की कोई भी सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रहा है। यू कैनॉट बी अ मैन्युफैक्चर, यू कैनॉट बी अ ट्रेडर, 10(2)(a) में मैन्युफैक्चर ट्रेडर कुछ भी नहीं हो सकते आप, वहां मैन्युफैक्चरर को मना था, याद है ना। नो सेकेंड पॉइंट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स ऑन द रेसिपिएंट ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम, नॉर शैल ही बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। उसे इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा और सप्लाईज पे टैक्स लगाना भी नहीं है। ऐसे सप्लायर को ना टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करना होता है, बिल ऑफ सप्लाई रेज करना होता है। ये मैं बता दूं आपको, जीएसटी में दो तरीके की बिल बनती है, ठीक है, एक होता है टैक्स इनवॉइस और दूसरा होता है बिल ऑफ सप्लाई। जिस पे भी जीएसटी लगता है, जिस आइटम पे जीएसटी लगता है उसके लिए टैक्स इनवॉइस बनाई जाती है, जिस आइटम पे जीएसटी लगेगा उसके लिए टैक्स इनवॉइस बनाई जाती है, और जिस आइटम पे टैक्स नहीं लगता उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई बनाई जाती है, ठीक है। तो जिन भी आइटम पे जीएसटी नहीं लगता, जिस पे 0% है ना, उसके लिए भी बिल ऑफ सप्लाई बनता है, सारी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के लिए बिल ऑफ सप्लाई बनेगा। जैसे पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता ना, तो पता है पेट्रोल के लिए क्या बनाना है, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। हम जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है, हमें क्या बनाना है, बिल ऑफ सप्लाई। हम कंपोजिशन में है तो जीएसटी लगाना नहीं है, हम कंपोजिशन में तो जीएसटी लगाना नहीं है, तुम क्या बनाएंगे, बिल ऑफ सप्लाई। ऐसे समझ लो, अगर बिल पे जीएसटी नहीं लगाना है तो बिल ऑफ सप्लाई कहलाता है वो बिल, और अगर बिल पे जीएसटी लगा है तो वो टैक्स इनवॉइस कहलाता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो आइटम जीएसटी के दायरे से बाहर है उसका भी बिल ऑफ सप्लाई बन रहा होगा, जिस पे 0% जीएसटी है उस पे भी बिल ऑफ सप्लाई बन रहा होगा। वो डीलर कंपोजिशन में है, भले उस पे जीएसटी 18% है, आइटम पे जीएसटी 18% है, लेकिन डीलर कंपोजिशन वाला है तो वो तो बिल पे जीएसटी नहीं लगाता है, तो वो भी क्या बनाएगा, बिल ऑफ सप्लाई। यानी बिल पे अगर जीएसटी नहीं है तो क्या बनता है, बिल ऑफ सप्लाई। बिल पे जीएसटी है तो बनता है टैक्स इनवॉइस। नेक्स्ट देखिएगा, अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। पहला, व्हेन मोर देन वन रजिस्टर्ड आर हैविंग सेम पैन, सीजीएसटी ऑन सप्लाईज बाय ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन इज पेड एट द रेट ऑफ 6%। क्या कहना चाहता है, अगर आपका एक से अधिक रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो कह रहा है कि सारी स्टेट में फिर रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन का होना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि एक जगह आपने कंपोजिशन ले लिया, दूसरी जगह रेगुलर ले लिया। ये भी बात पहले पढ़ी थी मैंने, ठीक है। एक जगह 10(2)(a) का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो ना, तो सारे जगह 10(2)(a) का दोगे, सब जगह 6% वाला ही टैक्स देना होगा तुमको। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% शैल बी लायबल टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ऑन ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख मेड फ्रॉम दिस रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स अवेलेबल ऑन सच सप्लाईज। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहे देखिए जिन आइटम पे जीएसटी होता ही नहीं है वो तो अगर उसकी सप्लाई करते हो तो हम तो कंपोजिशन में आने ही नहीं देते हैं आपको, ठीक है, अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम में आने ही नहीं देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई आइटम आप बेच रहे हो, आप जितने आइटम बेचते हो सब पे जीएसटी है, ठीक है, आप जितने आइटम बेचते हो उन सब पे जीएसटी है, ठीक है, और आपका टर्नओवर है 40 लाख रुपया, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कुछ आइटम पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्पशन ला दी थी, ठीक है, तो उस एग्जेम्पशन के दौरान भी आपने कुछ माल बेचा है और वो टर्नओवर इस 40 लाख के अंदर ही है, वो 3 लाख रुपए का टर्नओवर था, जिस समय एग्जेम्पशन चल रही थी उस पर जीएसटी नहीं लग रहा था। अब बात ये आता है 6% आपको कितने का देना है, 37 लाख रुपए का देना है कि 40 लाख रुपए का देना है, तो आंसर इस 40 लाख रुपए का देना है। अगर कोई बीच में कोई एग्जेम्पशन वगैरह आ गई आपके प्रोडक्ट पे तो इस बात से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपके टोटल टर्नओवर पे क्या लेंगे, जीएसटी लेंगे। क्लियर?
क्लियर है ना बात? अगर कंपोजिशन में आते हो तो टोटल टर्नओवर का देना है, बीच में कोई एग्जेम्पशन वगैरह आ गई इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाइज ऑन विच इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एंड दिस एट द एप्लीकेबल डेट। अच्छा, अब मैं कंपोजिशन में हूं तो अपनी सेल का मैं 6% देता हूं। अगर मैंने कोई ऐसी परचेज की है जिसका रिवर्स चार्ज के तहत मुझे टैक्स देना है तो वो जिस रेट पे देना है उस रेट पे दूंगा। परचेज कंपोजिशन से आपकी सेल का टैक्स निर्धारित होता है 6%, आपकी परचेज का नहीं। अगर कोई परचेज ऐसी की हो जो रिवर्स चार्ज में फॉल करता है तो उस पर जो रेट एप्लीकेबल है उसी रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम, होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली।